हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS। ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कंटिन्यू करते हैं। हालांकि बीच में कुछ गैप आ गया था, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। फटाफट स्विच को कंटिन्यू करते हैं और एक दिन के ब्रेक पे आपको वीडियोस मिलेंगी। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलरली मिल जाए और जुलाई के एंड तक हम लोग इस पूरे के पूरे ऑप्शनल को खत्म कर सके, ताकि जो लोग भी स्टेट PCS यूपी स्टेट PCS देने वाले हैं उनको भी इस सीरीज का बेनिफिट मिल सके। फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो रखी है और कई लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन बार बार पूछते रहते हैं। तो देखिए, आप लोगों को ईमेल करना है। यू हैव टू ड्रॉप ईमेल ऑन recognitionis@gmail.com कीपिंग सब्जेक्ट एज ज्योग्राफी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज। बस इसके बाद की इंफॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी किस तरीके से क्या कुछ करना है। आगे हम लोग अगर बात करें, दूसरी चीज जो रेगुलरली पूछा जाता है वो ये कि PDF कैसे मिलेगी। देखिए, अगेन PDFs आर नॉट अवेलेबल। PDF जो है, हम कभी भी एनकरेज नहीं करते हैं आपको कि आप इसको देखें, बट स्टिल अगर आप परचेज करना चाहें तो यू कैन पे अ पेनाल्टी फी एंड देन यू कैन परचेज दिस मटेरियल। बट स्टिल हम लोग बिल्कुल एनकरेज नहीं करते हैं कि आप PDF को या फिर मटेरियल्स को परचेज करें, क्योंकि मटेरियल्स एग्जैक्टली सेम है जो आपको स्लाइड्स में आप लोगों को दिखा रहा होता हूं। फिलहाल मैं ये कहूंगा कि आप लोग इस स्लाइड से अपने नोट्स बनाइए, और जो लोग भी नोट्स बना रहे हैं उनको पता है कि उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है। तो सर, राइटिंग हैबिट भी निकल के आ रही है और राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है, और अपने हिसाब से आप लोग अपना आंसर भी लिख लेते हैं, तो लिखने से एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। इस वजह से हम लोग इस PDF को शेयर नहीं करना चाहते हैं और इसके लिए पेनाल्टी फीस लगाए हुए हैं। तो हम लोग अगर देखें सिलेबस में हम लोगों ने क्या कुछ कवर कर रखा है, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर, स्पेस, ड्रेनेज, फिजियोग्राफी एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक टॉपिक आपका है क्लाइमेटिक रीजियंस रिलेटेड, जहां पे हम लोगों को पेन का क्लासिफिकेशन, थॉर्नवाइट का क्लासिफिकेशन, ट्रिवार्था का क्लासिफिकेशन, RL सिंह का क्लासिफिकेशन, ये डिस्कस करना है। बट इसको हम लोग फिलहाल के लिए स्किप करेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि इनको समझने के लिए आपको इनकी टेक्निकलिटी समझनी काफी जरूरी है। काफी सारे इसमें आर्बिट्ररी वर्ड्स हैं, ABCD और इस तरीके से। जब तक आप उसका मतलब नहीं जानते रहेंगे, आप इस चीज को कंप्रिहेंड नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे होंगे, और उस फिजिकल ज्योग्राफी में जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन कर रहे होंगे, तब हम लोग देखेंगे इस पिक के बारे में कि आखिर में क्या क्लासिफिकेशन दिया गया है इन लोगों के द्वारा इंडियन पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, फ्लड्स एंड ड्रॉट को लेकर के, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेजिटेशन और सॉइल टाइप को भी डिस्कस कर लेंगे। और इस तरीके से हमारा ये फिलहाल का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग इंडस्ट्री और रिसोर्स की ओर में फिर बढ़ जाएंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, और सेक्शन हमारा है सबसे पहले ड्रॉट का। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए ड्रॉट होता क्या है। तो ड्रॉट का मतलब क्या होता है, हिंदी में इस चीज को बोलते हैं सूखा पड़ना, लेकिन एक्चुअल में क्या है, सूखा का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ एक बेंचमार्क, कुछ ना कुछ एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप डिक्लेयर कर सकें कि ड्रॉट क्या होगा। तो द टर्म ड्रॉट इज सिंपल वर्ड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, अगेन ये जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये जो वैल्यू है या जो ये जो टाइम पीरियड है, वो अगेन एक सब्जेक्टिव हो जाता है। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्थ इंडिया, जहां पर रेनफॉल या कह लीजिए कि वो जो वाटर की अवेलेबिलिटी है बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी ये जो वाटर अवेलेबिलिटी है समटाइम्स कैन लीड टू ड्रॉट ऑल्सो, क्योंकि यहां पर बोल रहा है लॉन्ग टाइम के लिए। भाई, हमारे यहां पर मानसूनल ब्रेक भी तो होते हैं, उस मानसूनल ब्रेक में हम लोग बोल सकते हैं कि वो तो ड्रॉट पड़ गया है, बट नहीं, इसको ड्रॉट हम लोग नहीं बोलते हैं, बिकॉज ड्रॉट हैड सम अदर मीनिंग एट अ प्लेस वेयर इट इज कंसिडर्ड एब नॉर्मल और कंपेयर्ड टू एज यूजुअल कंडीशन। जब भी एक यूजुअल कंडीशन से कम पानी या वाटर की कम अवेलेबिलिटी होती है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वहां पर ड्रॉट पड़ा हुआ है। इसके लिए जो डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन दी गई है IMD के द्वारा, और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, वो आपके प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगा, कि ये सारा चीज देख रही होती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, या फिर अर्थ के बारे में ही केवल बोल सकते हैं कि ये वो मिनिस्ट्री है जो देख रही होती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सर्फेस इज नॉट
इवन, ये चीज तो आपको बड़े आराम से अब समझ में आ चुकी होगी क्योंकि हम लोग ड्रेनेज देख चुके हैं, ड्रेनेज पैटर्न देख चुके हैं, साथ ही साथ माउंटेन का सिस्टम भी आप लोग देखे हुए हैं कि किस तरीके से ग्लेशियर जो है कहां कहां अवेलेबल है, बाकी ड्रेनेज और रेनफॉल का पैटर्न आपको पता ही है. तो यू कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सर्फेस इज नॉट इवन. सम प्लेस हैव लॉट ऑफ वाटर रिसोर्स, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे हैं जो वाटर डेफिसिट हो जाते हैं. तो इनके लिए हमें एक कंडीशन देखने की जरूरत जरूर पड़ती है जहां पर हम इस चीज को क्लासीफाई कर सकें कि कहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है एंड हाउ कैन वी कंक्लूड कि सम एरिया इज फेसिंग ड्रॉट और नॉट. तो इफ द रीजन दैट हैज had lot of rain, अगर कहीं पर बहुत ज्यादा rainfall हुई है and goes for a couple of weeks without rain, तो यहां पर क्या हो जाती है, तो यहां के लोग animal या plant या जो भी है वो dryness, एक सूखापन face करना शुरू कर देते हैं और इसको हम लोग एक drought condition बोल सकते हैं. although drought के कई सारे type होते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे. तो यहां पर ये जो drought हुई वो हुई hydrological type. क्यों? क्योंकि यहां पर rainfall या वाटर की जो भी प्रेसिपिटेशन हो रही है वो नहीं हो पा रही है. तो ड्रॉट कैन बी डिफाइंड एज अ रिलेटिवली लॉन्ग टाइम वेयर देयर इज नॉट एनफ वाटर देन देयर यूजुअली इज. तो जनरली जो पाया जाता है उसमें अगर उतना नहीं मिले या वाटर की शॉर्टेज हो जाए या फिर कुछ अनयूजुअल कंडीशन देखने को मिले तो हम लोग बोल देंगे कि उस इलाके में सूखा पड़ा हुआ है या फिर ड्रॉट आ रखी है. As a result of dry weather to support human, animal and plant life, ठीक? Drought become an issue only when it begins to affect water supply for irrigation, municipality, industrial energy and ecosystem, ये सब चीज़ है. अब देखिए यहाँ पर सीन क्या है, North India में actually इनकेस अगर drought आता भी है तो इसका बहुत ज़्यादा effect नहीं देखने को मिलता है क्योंकि कहीं ना कहीं से इसको water available हो जाते हैं, चाहे वो drainage के through हो जाए, drainage in the sense रिवर के थ्रू हो जाए या फिर ग्लेशियर के थ्रू हो जाए. मतलब अगर देखेंगे तो यहाँ पर रेनफॉल हो गया, ग्लेशियर हो गया, रिवर हो गया, तो इसके अलावा आप ग्राउंड वाटर भी बोल सकते हैं ऑल्दो इन्हीं सोर्सेस से निकल के आता है. तो यहाँ पर बेसिकली तीन कंपोनेंट हैं ड्रेनेज को या फिर वाटर के अवेलेबिलिटी के लिए. बट इन इंडिया, अगर सेंट्रल इंडिया में अगर बात किया जाए जहां पर बुंदेलखंड का रीजन है या फिर हम लोग साउथ इंडिया में डेक्कन साइड में अगर आ जाते हैं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो मेनली ड्यू टू रेनफॉल है. इनफैक्ट यहां की जो रिवर्स हैं वो भी अगेन रेनफेड ही होती है तो रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट है. ग्लेशियर नाम की चीज नॉर्मली नहीं देखने को मिलती है, थोड़ी मोड़ी अगर होती है तो बहुत ही कम मतलब कम एरिया में है, कम एल्टीट्यूड पे है. तो इस वजह से ये एरिया हाईली इंपैक्टेड होता है, हाईली इंपैक्टेड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आखिर में ड्रॉट को डिक्लेयर क्यों किया जाता है. देखिए ड्रॉट इज अ डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट पे आप लोगों ने पढ़ा होगा जीएस में पेपर थ्री में कि ये ड्रॉट जो होती है वो एक डिजास्टर होती है और सीधी सी बात है डिजास्टर के लिए स्टेट्स को फंड मिलता है और ये फंड मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से. तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्राई टू रिड्यूस दीज फाइनेंशियल प्रेशर. अब इस फाइनेंशियल प्रेशर को रोकने का एकमात्र तरीका क्या है कि ड्रॉट की डेफिनेशन को बदल दीजिए और इस वजह से रिसेंट में 2016 में 2016 में ड्रॉट की डेफिनेशन को बदल दी गई थी जिसके कारण से कर्नाटका ने काफी ज्यादा इसका क्रिटिसिज्म किया था. मतलब कर्नाटका ने बोला था कि जस्ट बिकॉज यू हैव फाइनेंशियल प्रेशर यू आर नॉट डिक्लेयरिंग अ डिजास्टर एज अ डिजास्टर. तो इस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि टाइप ऑफ ड्रॉट कितने तरीके के होते हैं. तो बेसिकली हमारे पास तीन तरीके के ड्रॉट होते हैं जिसमें एक बोला जाता है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, दूसरी होती है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट और तीसरी होती है जिसे हम एग्रीकल्चरल ड्रॉट बोलते हैं. इन तीनों के बारे में फटाफट समझ लेते हैं क्योंकि जनरली ड्रॉट का मतलब केवल और केवल वाटर शॉर्टेज ही जनता समझती है. तो वाटर शॉर्टेज तो सही समझ रही है जनता, लेकिन ये वाटर शॉर्टेज अलग अलग तरीके से हो सकती है, जैसे रेनफॉल का ना हो पाना या फिर रेनफॉल तो हो रहा है लेकिन वो सारा का सारा ओशियन में चला जा रहा है तो वाटर की अवेलेबिलिटी अगेन नहीं हो पाई. ड्रॉट मतलब क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दिस इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसे होगी, जब आउटगोइंग कम हो, आउटगोइंग कम हो और इनकमिंग ज्यादा हो. इनकमिंग का मतलब क्या है, रेनफॉल, ग्लेशियर या फिर रिवर्स.
ये ज्यादा हो, आउटगोइंग मतलब कि ओशन में जाकर के मिल जाना है, ये कम हो. लेकिन इफ आउटगोइंग इज मोर देन इनकमिंग, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, लेकिन इन केस अगर आउटगोइंग इनकमिंग के बराबर हो जाता है या फिर इनकमिंग कम हो जाती है और आउटगोइंग उतनी ही हो रहती है, देन ऑब्वियसली एरिया जो होगा वो शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करेगा एंड अल्टीमेटली हम लोग बोल देंगे कि वहां पर ड्रॉट आई हुई है. ठीक है, तो अब यहां पर जो ड्रॉट आती है वो बेसिकली तीन तरीके की है. एक होती है जिसको हम लोग मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं, जहां पर वाटर रुकता नहीं है, मतलब वाटर जो है फ्लो होकर के ओशियन में चला जाता है, एंड दिस हैज फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम. बात करेंगे अभी कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक बार पहले सारा देख लेते हैं. दूसरी होती है जहां पर एग्रीकल्चरल ड्रॉट होती है, दिस इज बेसिकली क्रॉप फेलियर. ये क्रॉप फेलियर है जिसके कारण से ड्रॉट देखने को मिल जाती है. थर्डली होती है जब लास्ट में रेनफॉल ना हो, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि वहां पर हाइड्रोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है या हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट आई है. वन बाय वन करके सबको जरा डिस्कस कर लेते हैं. मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट अकर व्हेन देयर इज प्रोलॉन्ग्ड टाइम विद लेस देन एवरेज प्रेसिपिटेशन, और इनफैक्ट अगर प्रेसिपिटेशन होता भी है तो इट हैज सम लैंडफॉर्म प्रॉब्लम या मेट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसके कारण से यहां पर चीजें जो होती है वो सामने नहीं निकल के आ पाती है. तो सच टाइप ऑफ ड्रॉट कैन बी ट्रिगर्ड बाई अ हाई लेवल ऑफ रिफ्लेक्टेड सनलाइट एंड एबव एवरेज प्रिवेलेंस ऑफ हाई प्रेशर सिस्टम विंड कैरिंग कॉन्टिनेंटल रादर देन ओशियनिक एयर मासेस. तो हालांकि थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज लिखी है, बट इसका मतलब कुछ नहीं. इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसका जो इनंडेशन ऑफ रिवर बेड है, जो रिवर बेड है उसकी टोपोग्राफी में चेंज अगर देखने को मिल जाए, या फिर हार्ड रॉक पैन मिल जाए जिसके कारण से वाटर की स्टोरेज ना हो पाए और सारा का सारा अगर ओशियन में बह करके चला जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट. कहां पर ये फेस होता है? ये फेस क्या आता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जैसे मौसिन ड्रॉम हो गया या फिर चिनापूजी हो गई, मणिपुर का इलाका, मेघालय का इलाका, ये जितने इलाके हैं ये हार्ड रॉक पैन फेस कर रहे होते हैं. टर्शरी यहाँ पर हिमालय है, और जिसके कारण से अगेन इसकी जो वाटर की स्टोरेज है वो हो नहीं पाती है, मतलब यहाँ पर जो एक्विफर्स है वो रिचार्ज नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से इस तरीके की प्रॉब्लम हमें ड्रॉट प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है. क्लियर हो गया क्या चीज है? नेक्स्ट अगर बात करें एग्रीकल्चरल ड्रॉट, एग्रीकल्चरल ड्रॉट का मतलब है दिस अफेक्ट्स द क्रॉप प्रोडक्शन और द इकोलॉजी ऑफ द रेंज. दिस कंडीशन कैन ऑल्सो अराइज इंडिपेंडेंटली फ्रॉम एनी चेंज इन प्रेसिपिटेशन लेवल व्हेन ईदर इंक्रीज्ड इरिगेशन और सॉइल कंडीशन एंड इरोजन ट्रिगर्ड बाय पुअरली प्लांड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि दिस इज मैन मेड या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण से हमें इस तरीके की ड्रॉट देखने को मिलती है, जहां पर अगेन क्रॉप की रोटेशन हम नहीं कर रहे हैं, क्रॉप जो है अगेन बार बार वही रिपीटेड क्रॉप लगा रहे हैं, तो इससे क्या होती है कि सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है और उसकी जो वाटर एब्जॉर्बिंग पावर होती है वो भी खराब होती है. इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो से दैट दिस कैन लीड टू डेजर्टिफिकेशन, एंड द डेजर्टिफिकेशन का एक पॉइंट आता है जहां पर एग्रीकल्चरल ड्रॉट पड़नी शुरू हो जाती है. लास्ट आती है एग्रीकल्चरल सॉरी हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, एंड दिस इज ब्रॉट व्हेन वाटर रिजर्व अवेलेबल इन द सोर्स सच एज एक्वीफर लेक और रिजर्वायर फॉल बिलो अ लोकली सिग्निफिकेंट थ्रेशोल्ड. हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट टेंड टू शो अप मोर स्लोली बिकॉज इट इन्वॉल्व्स स्टोर्ड वाटर दैट इज यूज्ड बट नॉट रिप्लेनिश्ड. तो अगेन इस तरीके की ड्रॉट जो होती है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल ड्रॉट को भी ट्रिगर कर रही होती है. तो इस तरीके से आप तीनों का मतलब समझ गए हैं. यहाँ पर रेनफॉल शॉर्टेज हो रही है, यहाँ पर रेनफॉल हो तो रही है लेकिन स्टोरेज नहीं हो पा रही. ऑल दो आपको लगेगा मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल आर द सेम थिंग, बट दीज आर डिफरेंसेज. ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो है क्रॉप फेलियर आपको देखने को मिल जाएगा. क्लियर हो गया तीनों के बारे में, चीजें क्लियर है. अगर अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि आखिर में डेफिनेशन ऑफ ड्रॉट क्या है. मतलब यहाँ पर एक्चुअली सीन ये है कि रिसेंट में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आईएमडी ने डेफिनेशन में चेंज किया था, तो वो चेंज आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली चेंज क्या है. यहां पर मैं कहूंगा जितने भी लोग कोई भी बुक अगर फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो खुल्लर फॉलो कर रहे हो या फिर आप माजिद हुसैन फॉलो कर रहे हो, यहां पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही बुक में डेफिनेशन ऑफ ड्रॉट जो लिखी है वो पुरानी लिखी हुई है, नई डेफिनेशन आपको इंक्लूड कर लेना. एंड हियर यूपीएससी और जो भी स्टेट पीसीएस है वहां पर ये गेम कर सकता है, तो गेम में मत फंसिएगा, सही करिएगा. चलिए खैर, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट को अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो इट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन रेनफॉल डिफिशियंसी.
लॉन्ग टर्म एवरेज 25% और लेस इज नॉर्मल, 26-50% इज मॉडरेट एंड मोर देन 50% इज सीवियर. इसका मतलब क्या है? मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट एक्चुअली हम लोग बोलेंगे तब, या फिर इसको बोल सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली ड्रॉट वर्ड यूज ही नहीं करना है, हमें यूज करना है वाटर शॉर्टेज, यही यूज करना है वाटर शॉर्टेज. ड्रॉट वर्ड को हटा दिया गया है. यहां पर यह बोला गया है कि अगर लेस देन 25% अगर वेरिएशन आ रहा है, जब भी नॉर्मल है उससे जो चेंज या वेरिएशन जो है अगर 25% या उससे कम है तो इसको हम लोग बोलेंगे ना कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है. लेकिन अगर यह 26% to 50% के बीच में है तो हम लोग बोलेंगे कि यस देयर इज अ मॉडरेट चेंज. एंड इफ देयर इज मोर देन 50% तो कहेंगे सीवियर टाइप ऑफ वाटर शॉर्टेज है, ड्रॉट नहीं वाटर शॉर्टेज है. क्लियर. इसके बाद होता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट. अगेन यहां पर देख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज डिफिशियंसी इन सरफेस एंड सब सरफेस वाटर सप्लाई लीडिंग टू लैक ऑफ वाटर फ्रॉम नॉर्मल एंड स्पेसिफिक नीड. अगेन यहां पर क्या किया गया, यहां पर यह कहा गया कि सच कंडीशन अराइज इवन इन टाइम्स ऑफ एवरेज प्रेसिपिटेशन व्हेन इंक्रीज्ड यूज ऑफ वाटर डिमिनिशेस द रिजर्व. एग्रीकल्चरल ड्रॉट के बारे में क्या बोला गया है, यहां तो नॉर्मली हाइड्रोलॉजिकल में क्या है, दिस इज शॉर्टेज, अगेन दिस इज शॉर्टेज ऑफ वाटर. और लॉन्ग टर्म के बारे में ही बताया गया है शॉर्टेज ऑफ वाटर को लेकर के, इसके लिए क्या रीजंस होंगे और क्या सॉल्यूशंस होंगे हम लोग आगे भी डिस्कस भी करेंगे. आगे अगर देखेंगे तो एग्रीकल्चरल ड्रॉट के बारे में है. एग्रीकल्चरल ड्रॉट का मतलब कि 4 consecutive weeks अगर मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट फेस किया जा रहा है और रेनफॉल लेस देन 50 millimeter है, लेस देन 50 millimeter, तो हम लोग बोल देंगे कि एग्रीकल्चरल ड्रॉट पड़ गया है. इसके आगे की ये चीज छोड़ दीजिए आप लोग, ये कोई काम का नहीं है, आप यू कैन स्किप दिस. ठीक है, बाकी आप समझ लीजिए कि लेस देन 50 millimeter अगर रेनफॉल हो रही है 4 consecutive weeks तक, तो वहां पर हम बोल देंगे कि इस तरीके की एग्रीकल्चरल ड्रॉट पड़ गई इन इंडिया अराउंड. अच्छा, यहां पर स्टेटस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि दिस इज बेसिकली द स्टेटस, समवेयर यू हैव टू यूज दिस इन योर क्वेश्चन. इन इंडिया अराउंड 68% ऑफ द कंट्री इज प्रोन टू ड्रॉट इन वेरियंग डिग्रीज, अलग अलग डिग्री से, जैसे सीवियर मॉडरेट, इस तरीके से आप ड्रॉट को फेस करते रहते हैं. और इनफैक्ट ये ड्रॉट ऐसा नहीं है कि वाटर जो सरप्लस रीजन है वहां नहीं आता. एक्चुअली पंजाब इज ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट, हरियाणा इज ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट, नॉर्थ ईस्ट जहां पर रेनफॉल सबसे ज्यादा होती है इट इज फेसिंग ड्रॉट, सेंट्रल इंडिया ये तो जग जाहिर है कि यहाँ पर जो है वो ड्रॉट कंडीशन देखने को मिलती ही है. तो जितने भी वाटर सरप्लस रीजन है, दीज आर द वाटर सरप्लस रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया, दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट विच इज एक्चुअली फेस्ड बाई दिस सेंट्रल इंडिया. सो ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर वाटर बहुत ज्यादा है वहां पर ड्रॉट नहीं आ सकता है. 60% ऑफ द कंट्री इज एक्चुअली प्रोन टू ड्रॉट इन वेरिंग डिग्री, 35% ऑफ विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 750 mm to 1125 mm इज कंसिडर्ड ड्रॉट प्रोन. जैसे नॉर्थ इंडिया में आप देख सकते हैं कि सेम प्रॉब्लम यहां पर भी है, रेनफॉल तो यहां पर अच्छी खासी हो रही है बट उस चीज का स्टोर नहीं किया जा रहा है. तो वाइल 33% रिसीविंग लेस देन 750 mm इज क्रॉनिकली ड्रॉट प्रोन. ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़ा सा स्टेटस आप लोग याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, माजिद हुसैन से लिया गया है. अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि ड्रॉट के क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि कहां कहां क्या क्या फैला हुआ है. तो ये देखेंगे अगर, तो यहां पर 3 categories में इसको डिवाइड किया गया है. एक कैटेगरी है जहां पर देखा गया है कि द एरिड और सेमी एरिड एरियाज ऑफ राजस्थान. तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये जो रीजियन है बेसिकली गुजरात का रीजन हो गया, जिसमें साथ ही साथ में जो राजस्थान का रीजन है, और सम थोड़ा सा पार्ट जो होता है ये आपका साउथ वेस्ट ऑफ हरियाणा, ये जो रीजन है, और पंजाब का रीजन, ये एक्चुअली ये एरिड और सेमी एरिड टाइप के ये ड्रॉट फेस कर रहे हैं. तो यहां देख सकते हैं कि देयर इज अ कंटिगुअस रीजन कवरिंग ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न गुजरात, राजस्थान, साउथ वेस्ट हरियाणा, सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न मध्य प्रदेश, और कुछ पार्ट ऑफ आगरा डिवीजन भी आ जाता है. लेकिन खैर यही वो मैक्सिमम रीजन है जो ड्रॉट फेसिंग है. दिस ड्रॉट प्रोन एरिया हैविंग अ वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल ऑफ ओवर 40%. यहां पर क्या है, आपको पता ही है कि रेनफॉल यहां पर शॉर्टेज होती है, उसके पीछे रीजन क्या होती है कि यहां से जो विंड निकलती है, हालांकि सारी विंड तो यहीं पर सह्याद्री के द्वारा रोक दी जाती है, वेस्टर्न घाट के द्वारा रोक दी जाती है, रेनफॉल इसी इलाके में होता है, थोड़ी मोड़ी जो यहां पर पासेज हैं उन पासेज से निकल करके नागपुर में रेनफॉल होती है. लेकिन एक जो विंग निकलती है वो अरावली के पैरेलल में चली जाती है, लेकिन यहां पर मॉइस्चर खत्म हो जाता है, और हरियाणा पंजाब तक जब तक पहुंचती है तो यहां पर मॉइस्चर खत्म हो जाता है. और इधर वाली जो विंग आ रही होती है
वो भी अगेन मॉइस्चर खत्म कर देती है, तो हल्की फुल्की जो रेनफॉल होती है उस इलाके में देखने को मिल जाती है, बट अगेन उतना ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है, और जिसके कारण से अगेन वही वाटर शॉर्टेज यानी कि यहां पर ड्रॉट प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। क्लियर? देखिए आप लोग जितने भी कंसेप्ट ज्योग्राफी में जान रहे हैं अप्लाई करना ही होगा आपको इन सारे कंसेप्ट को। ये जितनी भी चीजें हैं वो बेसिकली या तो फिजिक्स है या फिर ये थोड़ी मोड़ी कह लीजिए तो कॉमन सेंस भी है, तो ये फिजिकल लॉज ही बेसिकली यहां पर लग रहे होते हैं। चलिए खैर, तो ये 40% जो होती है वो वेरिएबिलिटी यहां पर देखने को मिलती है। स्ट्रेचेस ओवर 65 लाख स्क्वायर किलोमीटर, डेटा नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ सकते हैं आप, रीजन बस याद रखिएगा। पार्ट ऑफ दिस कंटिगुअस ड्रॉट प्रोन एरिया इरिगेटेड बाई कैनाल एंड ट्यूबवेल आर हाउएवर लेस अफेक्टेड बाई ड्रॉट। अब देखिए यहां पर सीन क्या है, क्यों यहां पर हमें ड्रॉट की प्रॉब्लम जो है वो फेस होती है लेकिन फिर भी पता नहीं चलता है, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि यहां पर देखिए जो रेनफॉल या जो भी चीजें हैं वो यहां पर है बहुत सारी रिवर्स, जैसे इंडस हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, तो यहां पर बेसिकली रिवर्स बहुत ज्यादा है। इस रिवर्स के कारण से यहां पर की जो वाटर टेबल है वो काफी ज्यादा हाई बना होता है। इस वाटर टेबल के कारण से यहां पर लोग लगाते हैं ट्यूबवेल और अल्टीमेटली यहां से इरिगेशन कर ली जाती है इस तरीके से। तो यहां पर बेसिकली ट्यूबवेल हो गया या फिर कैनाल के थ्रू नहर निकाल करके इरिगेशन कर ली जाती है। दूसरा, वाटर डाइवर्जन भी किया जाता है यहां पर। वाटर डाइवर्जन का मतलब जैसे इंदिरा गांधी कैनाल, यहां पर क्या होता है कि देखिए यहां पर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इस इलाके से, ये पूरा का पूरा रीजन जो होता है वो वाटर बहुत ज्यादा है, मतलब गंगा यमुना बेसिन है, फिर बाकी ऊपर में भी काफी सारी रिवर्स है, तो इनको क्या है डाइवर्ट कर दिया जाता है और राजस्थान या फिर जो भी वाटर शॉर्टेज वाला रीजन है वहां पर एक बना दिया जाता है रिजर्वायर जिसके थ्रू वाटर की अवेलेबिलिटी करा दी जाती है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सोल्यूशन जो कि राजस्थान के लोगों को कन्वीनियंस या फिर कह लीजिए कि थोड़ा सा आराम दे रहा होता है। तो इस तरीके से इंदिरा सागर डैम हो गया या फिर इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर डैम्स हैं जिसके थ्रू जो है ये पूरा सिस्टम जो है बनाया जाता है, वाटर का डाइवर्जन करके यहाँ की अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कराई जाती है। तो ये हुई एरिड और सेमी एरिड एरियाज ऑफ राजस्थान। क्लियर हो गया? दूसरा जो रीजन आता है वो आता है रेन शेडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट। अब देखिए हमें पता है कि ये जो इलाका है यहां पर वेस्टर्न घाट है जिनको सह्याद्री भी हम लोग बोलते हैं, दिस इज थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट। यहां पर तीन तरीके के घाट्स है ना ये। अब देखिए यहां पर एक विंग तो निकल जाती है, दूसरी विंग निकल जाती है, लेकिन यहां पर एक बनता है जे, दिस इज जे कर्व, एक जे बीच में बनता है, और ये जो जे है ये पूरा का पूरा वाटर शॉर्टेज रीजन है। सब लोग अपना एटलस ओपन कर लीजिए, एटलस ओपन करने पे आपको बीच में एक जे दिखेगा, और ये जो जे है ये आता है, इसको बुलाता है रेन शैडो रीजन। रेन शैडो रीजन, यहां पर बारिश नहीं हो पाती है जिसके कारण से अगेन यहां पर वाटर शॉर्टेज हो जाती है, और इस वाटर शॉर्टेज के थ्रू अगेन ड्रॉट कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है। अब देखिए यहां पर ये जो ड्रॉट है वो मेनली कर्नाटक का रीजन आता है, यहां पर कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका हो गया, इनफैक्ट तेलंगाना का भी रीजन आ जाता है, आंध्र प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स आ जाते हैं, तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स आ जाते हैं, तो ये वो इलाका है जहां पर वाटर शॉर्टेज देखने को मिल जाती है। दिस इज द एरिया लाइंग टू द ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट जिसे सह्याद्री माउंटेन बोला जाता है, स्ट्रेचिंग फ्रॉम जलगांव जो महाराष्ट्र में है टू हैदराबाद जो कि तेलंगाना में फिलहाल चला गया है, एंड महबूब नगर आंध्र प्रदेश, बिदर कर्नाटक हो गया, बीजापुर हो गया, गुलबर्गा हो गया, रायचूर हो गया, ये ज्यादा स्टेट्स ऑफ कर्नाटका में आ जाती हैं सारी की सारी, और कोयम्बटूर, मदुरई, सैलम एंड ये सारी चीजें तमिलनाडु में आ जाती हैं। तो एक आइडिया लग गया बेसिकली जो एरियाज हैं जहां पर इस तरीके की रेन शैडो रीजन पाई जाती है। द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इन दीज रीजन वेरीज बिटवीन 30-40% एंड इट इज इन दीज एरिया दैट सेवरल थाउजेंड फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड। सुसाइड के पीछे रीजन क्या है, एक तो सही बात है कि वाटर अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, दूसरी है कि यहाँ का जो क्रॉप सिलेक्शन ये लोग करते हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बताइए वाटर की अवेलेबिलिटी है नहीं, बट यहाँ पर जो है वो ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और ब्लैक सॉइल को देखते हुए ये लोग बो देते हैं शुगर केन, एंड शुगर केन को अच्छा खासा वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। ब्लैक सॉइल फेवरेबल है लेकिन साथ में इरिगेशन भी तो चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी भी चाहिए, और इस कारण से ये पूरा सिस्टम जो होता है जब फेल हो जाता है तो यहाँ के लोग फिर सुसाइड करना शुरू कर देते हैं। चलिए खैर,
नेक्स्ट एंड लास्ट रीजन जो आता है उसको हम लोग अदर पार्ट में इंक्लूड करके रखे हुए हैं। ये जो इंक्लूड वाला जो क्षेत्र है ये मिक्स सा क्षेत्र है, यूपी का भी पार्ट आ जाएगा इसमें, वेस्ट बंगाल के भी, नॉर्थ ईस्ट के भी इलाके आ जाएंगे, तो बहुत सारे यहाँ पर हैं जिसको हम लोग एक साथ एक कैटेगरी में रख दिए हैं जिसको हम लोग अदर ड्रॉट पोर्शन कह रहे हैं। दीज आर द आइसोलेटेड ट्रैक्स कवरिंग एरिया ऑफ अबाउट 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री विच आर ड्रॉट प्रोन एरियाज। कौन कौन से इसमें आ जाएंगे, जैसे कालाहांडी उड़ीसा का, ठीक है, यहाँ पर उड़ीसा है और इसमें कालाहांडी क्षेत्र आ जाता है। इसके अलावा पलामू आ गया, पलामू प्लेटू ऑफ झारखंड हो गया, मिर्जापुर प्लेटू, बुंदेलखंड, ये सब जो है यूपी में आ जाते हैं। दिस इज हियर मिर्जापुर आ जाता है बनारस के पास में, अगेन ये बुंदेलखंड का रीजन आ जाता है, बुंदेलखंड का रीजन, ठीक है, ये भी अगेन प्रॉब्लमेटिक है। बागेलखंड का रीजन आ जाता है, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुनेवेली, ये सारे जो एरियाज होते हैं वो अगेन ड्रॉट फेस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ड्रॉट है वो ऑब्वियसली मेट्रोलॉजिकल टाइप ऑफ ड्रॉट भी है और साथ में हाइड्रोलॉजिकल भी है, हाइड्रोलॉजिकल, तो दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, बट दिस इज द डोमिनेटिंग वन, ठीक है। नाउ अब आता है कि एडवर्सिटी क्या है, कितना मतलब किस हद तक द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। तो एडवर्सिटी अफेक्ट द ड्रॉट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एन एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि तेलंगाना में एक प्रोजेक्ट लगाया गया है जिसको हम बाहुबली प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, बाहुबली प्रोजेक्ट। और ये बाहुबली प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट है, इसका नाम है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, कालेश्वरम, ठीक है, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। इस कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में बहुत सारे छोटे छोटे भी प्रोजेक्ट हैं जो इसका कंपोनेंट है, जैसे पट्टी सीमा प्रोजेक्ट हो गया या फिर और भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स इसमें इंक्लूड करके रखे गए हैं जो कि बेसिकली तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए है। ये तेलंगाना गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एकमात्र तेलंगाना के लोगों की ही वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, बल्कि महाराष्ट्र के रीजन, कर्नाटका के रीजन को भी ये सॉल्व कर सकता है। तो अगेन दिस इज अ लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि है तो बहुत बड़ा, वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग भी कर रखी है, इतना ज्यादा ये बड़ा बना हुआ है कि वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग करके रखी हुई है। तो ये जो रीजन है वो क्या है आखिर में, दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर द वाटर स्केयरसिटी एंड इट इज अ इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज सेल्फ ड्रिवन, मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी वो इलेक्ट्रिसिटी ये खुद से पैदा कर लेगी, ठीक है। इसके अगर स्ट्रक्चर को जाएंगे, इसकी सिविल इंजीनियरिंग को देखेंगे, ये सारा का सारा एक सिविल इंजीनियरिंग में एक टॉपिक होता है इरिगेशन मैनेजमेंट, इरिगेशन प्लानिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, उसमें ये सब चला जाता है। तो अडॉप्शन ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये बेसिकली है एग्रीकल्चरल इरिगेशन, एग्रीकल्चरल ड्रॉट को रोकने के लिए। क्यों, क्योंकि यहां पर स्प्रिंकलर के माध्यम से जब हम लोग इरिगेट कर रहे होते हैं तो वाटर को उतना ही दिया जाता है जितनी रिक्वायरमेंट है। ऐसे क्या होती है कि बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग भी नहीं हो पाती है और उसके कारण से क्रॉप कि जो सॉइल है, जो सॉइल होती है वो ज्यादा पानी नहीं मिलता है, उसको वाटर नहीं मिलते, जिसके कारण से वो जो एल्कलाइन बनना होता है वो नहीं बन पाता है। तो इससे भी अगेन सॉइल बच जाता है और हमारी सिस्टम बन जाती है। नेक्स्ट वाटर हार्वेस्टिंग, अगेन वाटर के जो भी मेट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम जहां जहां पर भी है वहां पर, जैसे तमिलनाडु हो गया, यहां पर जो है कंपल्सरी है कि वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो इंक्लूड करना ही करना है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो यहां पर किया गया है। तो इस तरीके की वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हो गए या फिर वाटरशेड मैनेजमेंट हो गया, सूटेबल रोटेशन ऑफ द क्रॉप हो गया, डेविएशन फ्रॉम द मोर वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप, जैसे कि शुगर केन को छोड़ करके दूसरे क्रॉप्स को ध्यान देना चाहिए, जैसे टोबैको हो गया, सोयाबीन हो गया, ऑयल सीड हो गया, कॉटन हो गई, ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा अच्छे से उगाई जा सकती हैं। इसके अलावा ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स भी हमें अपनाने की जरूरत है, ठीक है। All these steps together can solve the problems of the farmers and inhabitant of the drought prone area and this can obviously reduce the problem. ठीक है, तो ये चीज आ जाती है सामने हमारे। Droughts are disasters which affect the people and economy of the country adversely. Their frequency according to the expert of the climatology is likely to increase in the future. Obviously, इसके पीछे रीजन क्या होंगे, ग्रीन हाउस गैसेज हो जाएंगे, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो उसके कारण से भी इकोलॉजिकल इम्बेलेंस, तो ये वो रीजन होंगे। क्योंकि देखिए रिसेंट में क्या है, एलनीनो लानीना आने का जो टाइम है वो काफी ज्यादा फ्रिक्वेंट हो गया, लगातार आ रहा है। इसके अलावा इंडियन ओशियन डायपोल, अगेन दिस इज क्रिएटिंग अ न्यू प्रॉब्लम।
मेडन जूलियन कंसेप्ट हो गया, ये भी अगेन एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो जितनी भी एडवर्सिटीज हम लोगों ने देखी हैं, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो ड्रॉट की प्रॉब्लम है वो अब मोर एंड मोर फ्रीक्वेंट होने वाली है। द ईयर ऑफ 1965 टू 67, 72 टू 73, 79 टू 80, 80 टू 85, ये वो एरियाज हैं, ये वो ईयर्स हैं जिसमें ड्रॉट फेस किया गया है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 2012 टू 2014 के बीच में अगेन ड्रॉट पोजीशन फेस की गई थी। फिर 16 में की तो गई थी लेकिन वो उतना ज्यादा सीवियर नहीं था, बहुत ही नॉर्मल सी थी। इनफैक्ट 2014 के बाद से 2020 के बीच में कोई भी सीवियर ड्रॉट नहीं देखी गई है। एंड दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर द गवर्नमेंट कि इनको एक तरफ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, कोई भी सुसाइड अटैक नहीं हुआ है, कुछ भी कहीं पर भी फार्मर ने सुसाइड नहीं किया है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट द ड्रॉट ऑफ 2002 एंड 9 वाज द वन ऑफ द वर्स्ट ड्रॉट, अगेन एलिनो के कारण से था, इन द लास्ट 100 ईयर। इन दीज ईयर द स्टेट ऑफ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जितने भी क्रॉप प्रोड्यूसिंग एरियाज थे या जो कह लीजिए कि जो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी, ये सारी इकोनॉमी जो होती है वो वर्स्ट अफेक्टेड इकोनॉमी देखने को मिली थी। नाउ अब चीजें आती हैं कि आखिर में ये सब चीजें जो हो रही हैं उसको मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि जो ड्रॉट है उसमें से हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम जो रीजंस है वो नेचुरल रीजंस ही निकल करके आ रहे हैं। अब हम नेचर पे कंट्रोल तो कर सकते हैं नहीं, बट वी कैन प्रिपेयर आवर सेल्फ, तो हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इस ड्रॉट की चीजों को, अगर होती है तो उससे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए दो चीजें हैं, हालांकि आप लोगों ने सेंडाई फ्रेमवर्क पढ़ा होगा, सेंडाई फ्रेमवर्क दिस इज अ जीएस का सेक्शन जहां पर आप सेंडाई फ्रेमवर्क, ह्योगो फ्रेमवर्क आप लोग ये सब पढ़े होंगे, ह्योगो फ्रेमवर्क, ये सब जो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, डिजास्टर रिजिलियंट रिडक्शन इसमें भी बताया जाता है ये सब चीजें, ये सब जो है वो डिजास्टर का पार्ट है, जीएस पेपर 3 में आती है। इसकी हम लोग बातें नहीं करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो ये है कि सपोज डिजास्टर है तो डिजास्टर के लिए दो चीजें होती है, वन इज द डिजास्टर मैनेजमेंट, पहले आप दोनों में अंतर समझ लीजिए, पहले होती है डिजास्टर मैनेजमेंट, दूसरी होती है जिसको बोला जाता है डिजास्टर वॉट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में एक्चुअली बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। डिजास्टर रिस्क का मतलब यह है डिजास्टर आ चुका है, अब क्या करना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है डिजास्टर आया नहीं है फिर कैसे मैनेज करना चाहिए, समझ में आया। तो यहां पर डिजास्टर आ चुका है, अब उसके कारण से बहुत ज्यादा जो भी लॉस होना है वो हो चुका है, अब क्या कर सकते हैं, दैट इज डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है डिजास्टर ऐसे आया नहीं है, वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ, इफ डिजास्टर कम्स देन व्हाट शुड बी आवर कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये चीज होती है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, समझ में आ गया दोनों में अंतर। जैसे और थोड़ा सा समझाने के लिए देखिए, डिजास्टर अगर आ गया है तो आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा, लोगों को सही तरीके से फूड की अवेलेबिलिटी हो जाए, जो भी इकोनॉमिकली कह लीजिए पुअर है उनको जो बेसिक एमिनिटीज है वो दे दिया जाए, इनको एक सेफ लोकेशन पर ट्रांसफर कर दिया जाए, ये सब चीजें जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी डिजास्टर के टाइम पर। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है, नंबर वन कि लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए ताकि इफ इन केस अगर डिजास्टर आता भी है तो ये अपने आप को सस्टेन कर सके, पहली चीज। दूसरा प्रिपेयर्डनेस के दौरान में आ जाएगा कि आप एक मॉनिटरिंग सिस्टम, अच्छा एक मॉनिटरिंग सिस्टम बना के रखें। नेक्स्ट अवेयरनेस फैला करके रखे रहें, लोगों को अवेयर किए रहें कि इफ इन केस अगर कोई डिजास्टर आती है तो आप खुद से ही मिटिगेशन टेक्निक क्या ले सकते हैं। इसके अलावा की कनेक्टिविटी, मतलब किस तरीके से आप लोगों को अवेयर करेंगे, अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, तो ये कंडीशन, ये इस तरीके की चीजें कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एज डिजास्टर मैनेजमेंट। क्लियर हो गया दोनों में अंतर, समझ में आ गया। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा सिस्टम लिया जाता है। इनफैक्ट जो कोविड की प्रॉब्लम आई है इसको भी एक डिजास्टर बोला गया और इसी वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगातार काम कर रहा होता है, जिसमें अगर एरिया में आ जाएंगे तो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द सुप्रीम अथॉरिटी फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन एक्शन। अब जरा बात कर लेते हैं इसमें क्या सिस्टम है, चीजों को आप समझ चुके हैं, अब जरा देख लेते हैं। तो ड्रॉट रिलीफ अप्रोच रिलाइड ऑन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर लाइक क्रॉप प्रोडक्शन डेटा, ये है ड्रॉट रिलीफ, ये वाला सिस्टम है। ठीक है, यहां पर क्या है, दिस रिलाइड ऑन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन का डेटा क्या है,
इसके बाद प्राइस राइज क्या हो रही है, माइग्रेशन ऑफ द ड्रॉट अफेक्टेड पीपल क्या है, सेफ लोकेशन पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इंक्रीज्ड रेट ऑफ क्राइम देखने को अगेन मिल जाती है क्योंकि अगेन डिजास्टर हुआ है, तो लोग अपनी बेसिक चीजों को पूरा करने के लिए किसी भी तरीके से किसी भी हद तक चले जाते हैं। ड्रॉट मैनेजमेंट अप्रोच में क्या है, तो यहां पर देखिए दीज आर बेसिकली रिलाइड ऑन हाइड्रो एग्रीकल्चरल इंडिकेटर्स लाइक रेनफॉल, वाटर लेवल ऑफ रिजर्वायर, प्रोग्रेस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, अर्ली साइन ऑफ डिटेक्शन ऑफ डेवलपिंग ड्रॉट सिचुएशन। वाइल ड्रॉप वन सेकेंड इसको इरेज कर देता हूं मैं। वाइल ड्रॉट रिलीफ अप्रोच इनेबल द गवर्नमेंट टू इंटरवीन ओनली इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर व्हेन द रेनी सीजन इज ओवर, खरीफ क्रॉप हैव बीन हार्वेस्टेड। ड्रॉप मैनेजमेंट अप्रोच इनेबल द गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन द मॉनसून सीजन इटसेल्फ। तो ये क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि ड्रॉट मैनेजमेंट जो है वो थ्रू आउट द ईयर वाली एनुअल प्रोसेस है, जबकि जो ये डिजास्टर रिस्क है ये लिमिटेड होती है, कुछ मंथ तक ही लिमिटेड होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कमिटी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि 2002 में बनाई गई थी आफ्टर द सीवियरिटी ऑफ द डिजास्टर को देखने के बाद, ड्रॉट मैनेजमेंट इज जनरली डन बाय फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसा कि हम लोगों ने वही देखा है अभी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वाटर कंजर्वेशन, पावर सप्लाई, स्टैंडिंग क्रॉप सेविंग, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। इसको मैनेज करके रखने की जरूरत है। इनफैक्ट सबके लिए हमारे पास एक एक संस्था बन चुकी है, लाइक सप्लाई ऑफ एसेंशियल फूड के लिए हम लोग के पास FAO है, और जितने भी स्टैंडिंग क्रॉप सेविंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है अगेन इसके लिए हमारे पास FAO है ही, पावर सप्लाई के लिए वी हैव अगेन मिनिस्ट्री ऑफ पावर विच इज एक्चुअली देख रही होती है, जैसे EESL है ये जो होती है, PSU है जो देख रही होती है, वाटर कंजर्वेशन के लिए अगेन वी हैव CWC सेंट्रल वाटर कमीशन विच इज एक्चुअली कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग द वाटर कंजर्वेशन मेथड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अगेन वी हैव सिस्टम्स। ठीक है, तो ये सिस्टम हो जाती है। लास्टली आ जाती है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। अगर ड्रॉट प्रोन जो है, कुछ एरियाज ऐसे हम लोगों ने देखे हैं ना, जैसे एरिड सेमी एरिड रीजन ऑफ द राजस्थान, फिर रेन शेडो रीजन ऑफ द जो साउथ इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया है, और फिर हम लोगों ने अदर एरियाज कुछ देखे हुए थे, तो ये वो एरियाज है जहां पर कंटिन्यूअसली और इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि लगातार यहां पर ड्रॉट बनी रहती है। तो वी नीड टू फोकस हियर एंड वी हैव टू चेंज द स्ट्रैटेजी फॉर दीज रीजियंस, क्योंकि दीज रीजन हैव सम डिफरेंट प्रॉब्लम्स, सम डिफरेंट सिचुएशंस विच इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द अदर रीजियंस, तो हमें कुछ अलग प्लानिंग, अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे इन एरिया के डेवलपमेंट के लिए। तो यहां पर हम लोग वही फ्लड ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम चलाए रहते हैं जिससे हम लोग इस पूरे एरिया का मैनेजमेंट करते हैं। तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम विच कवर 615 ब्लॉक्स स्प्रेड ओवर 90 डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्टर्न सेंट्रल और द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इज एन इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट। अब यहां पर कई सारी चीजें कर रहे होते हैं हम लोग, जैसे जो हमारा मेन फोकस होता है वो फोकस होता है एग्रीकल्चर को लेकर के। अब एग्रीकल्चर में क्या करेंगे हम लोग, एग्रीकल्चर के साथ साथ हम लोग एनिमल हस्बेंड्री को भी फोकस कर सकते हैं। तो यहां पर यही काम करना होता है कि इफ इन केस एग्रीकल्चर फेल होता है तो एटलीस्ट एक साधन होना चाहिए ना एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री का। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अभी एक बड़ा अच्छा प्लान निकाला हुआ है सोलर मिशन के नाम से, जिसमें किसानों को जो उनकी फील्ड है, जैसे फील्ड पे हर जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा है कि अपनी फील्ड को आप लीज पर दे सकते हैं या फिर यहां पर सोलर पावर प्लांट लगा दीजिए। सोलर पावर प्लांट के थ्रू जो भी आपका रेंट है उस रेंट के बदले में आप इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। इसके अलावा हम आपके ही जो भी फील्ड है उसमें हम टुल्लू पंप लगा देंगे, मतलब कि जो ट्यूबवेल वगैरह वाली चीजें होती है वो हम लगा करके आपके एरिया को, आपके फील्ड को इरिगेट भी कर देंगे। और अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको फार्मर कैन सेल ऑल्सो, तो फार्मर जो है वो सेल भी कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एक बेटर वे, बेटर मैनेजमेंट ऑफ द लैंड के थ्रू एक अच्छा खासा जो होता है सिस्टम हम निकाल सकते हैं। द मेन, पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। हमें क्या है, सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी लेकर के आनी है, सस्टेनेबिलिटी पहली चीज। दूसरी चीज, लॉसेस को हमें कम से कम करना है इन द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। तो बस एग्रीकल्चरल लैंड या फिर वाटर या लाइव स्टॉक, इसको जुडिशियस और साइंटिफिक यूज करना पड़ेगा हमें। एनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ द इनकम ऑफ द पीपल ऑफ ड्रॉट प्रोन एरिया पार्टिकुलरली ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एंड लास्टली रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। देखिए आप इन सब चीजों को रट्टा मत मारिए, आपको बस सोचना है। इनफैक्ट
सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन होती है ये बुक्स में नहीं की जाती है, ये की जाती है कहां पर? सोसाइटी में. यू हैव टू लुक अराउंड योर सोसाइटी, यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस का आंसर. जो भी आंसर है क्वेश्चन का वो आपको यहां पर मिलेगा, अपने दिमाग में, अपने माइंड से सोचने पे मिलेगा, बुक में नहीं मिलेगा. अब जैसे यहां पर चीजें हैं, यहां पर आप तीन पॉइंट देख सकते हैं, बट यू कैन ऑब्वियसली क्लासीफाई क्या चीजें. एक तो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, सोशल सिचुएशन होती है, इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, एनवायरमेंटल सिचुएशन होती है, एथिकल सिचुएशन होती है. ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशंस होती हैं. अब देखिए डिजास्टर से क्या क्या चीजें पॉसिबल है. पॉलिटिकल, इसे क्या करना है कोई मतलब नहीं है. सोशल, यस, क्योंकि सोसाइटी में अगेन डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा होता है. इकोनॉमिक, बिल्कुल, क्योंकि लॉसेज हो जाते हैं, और वो भी लॉस किसका होगा. अगर माइनिंग हो रही है तो माइंस में पानी चला जाएगा, वहां पर पानी अगर जाता है तो एक्सप्लोड हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकती है, वहां पर ह्यूमन लॉस हो सकता है. इनफैक्ट हो सकता है माइन जो है फिर से पूरा का पूरा जो है वो खत्म हो जाए और वापस से फिर से वहां पर स्टार्ट करना पड़े. इन्वायरमेंटल लॉस ये भी होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट अगेन प्रॉब्लम फेस हो रही होती है. एथिकल भी हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन जो है अगर वो अगेंस्ट द नेचर जाएगा तो ऑब्वियसली इट इज अगेंस्ट द नेचर एंड ऑब्वियसली इट विल बी अ अनएथिकल वर्क. तो यहां पर देखिए आप ये नहीं देख सकते हैं कि जो है किताब में तीन ही पॉइंट लिखा हुआ है, हम भी तीन पॉइंट लिखेंगे. नहीं नहीं, आपको अपने दिमाग से यूज करना है. दिस इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. थोड़ा सा यूज ऑफ माइंड करिए, डेवलप करिए, और इसको डेवलप करने का एक ही बेस्ट वे होता है, A4 शीट लीजिए, पॉइंट्स लिखना शुरू करिए, पॉइंट्स या जिसको मैं बोलता हूँ जॉटिंग्स लिखना शुरू कर दीजिए. एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करिए, यूज सम मॉडल्स, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी कंसेप्ट, एंड अगेन एक आंसर आपका तैयार हो गया, काम खत्म. तो ये काम आपको करना है, ठीक है. इस तरह की हैबिट आप डालिए, काफी अच्छा आपको एक अंतर देखने को मिलेगा. तो देख सकते हैं कि अगर जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही एक रिजल्ट हमें निकल के आया था राजस्थान में, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट हो गया, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हो गया, नर्मदा रिवर पे जो कि बनाया गया है. इसके अलावा हम लोगों ने एक और सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूशन जोधपुर में हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया है, विच इज रीडिंग एंड इट इज डूइंग देयर रिसर्च वर्क ऑन ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट ट्रीज एंड क्रॉप्स. तो इस तरीके से चीजें निकाली जा रही है, मतलब यहां पर जो होता है कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऐसी भी निकाली जा रही है जो ड्रॉट प्रोन एरियाज में भी अच्छा खासा प्रोडक्शन दे, अच्छा खासा यील्ड दे. तो ये वो कुछ एरियाज हैं जिनके थ्रू जो होता है ड्रॉट प्रोन एरिया मैनेजमेंट किया जा सकता है. दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. नाउ लेट अस डिस्कस सम प्लानिंग, कि आखिर में वो प्लान्स कैसे हैं, कैसे फोकस करेंगे जिससे हम ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके. आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, ड्रॉट है तो आपको ध्यान में ये रखना है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड होगा, मतलब इकोनॉमिकली पुअर क्लास के लोग होंगे. अब पुअर क्लास में कौन होगा, जो लोएस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का है, जनरली एग्रीकल्चर कर रहा होगा. तो एग्रीकल्चर के थ्रू कैसे इसको हमें बेटर मैनेजमेंट, बेटर इनकम ग्रुप में लेकर के आना है. इसके अलावा सोसाइटी में ऐसा तो है नहीं केवल और केवल पुअर पीपल रहते हैं, इसमें मेन है, वुमेन है, चिल्ड्रेन भी हैं. इनके न्यूट्रिशन का, इनके फूड का भी ख्याल रखना पड़ेगा. फिर इसके अलावा हमें एक प्लानिंग भी करनी पड़ेगी. प्लानिंग किसकी, इंडस्ट्री की प्लानिंग करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट करना पड़ेगा. अगर ड्रॉट आता है तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से इस ड्रॉट की कंडीशन में भी हम वाटर को अवेलेबल करा पाए. तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है. अब ये कंडीशन अगर आपको ध्यान में है तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. देखिए इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट एक बनाना पड़ेगा जिससे कि वाटर की अवेलेबिलिटी हम लोग आसानी से कर सकें. अब ये कैसे कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कर सकते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट से कर सकते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर सकते हैं मनरेगा के थ्रू. इनफैक्ट देखिए अभी रिसेंट में मनरेगा प्लान लॉन्च भी कर दिया गया है. इनफैक्ट मनरेगा प्लान में जो SC ST प्लान्स है इनकी मतलब फील्ड में तो नहीं, लेकिन बाकी के फील्ड में जो होता है ये मनरेगा प्लान को अप्लाई किया जा सकता है. इनफैक्ट सबके लिए कोशिश की जा रही है कि सब में ही अप्लाई कर दिया जाए कि मजदूर जो है वो जा करके इनकी फील्ड में कर सकें. सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर, अगेन ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है. एग्रीकल्चर की क्रॉपिंग के लिए हमें, जैसे हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को लिया है, वैसे हमें सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेथड्स भी अपनाने होंगे. एफोरेस्टेशन अपनाना होगा जिससे कि वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर जो है वो बना रहे, एक्वीफर जो है वो रिचार्ज होते रहे. डेवलपमेंट ऑफ पास्चर लैंड एंड फॉरेस्ट रेंज मैनेजमेंट इन कंजक्शन विद डेवलपमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट करना पड़ेगा. ये दोनों अगेन क्या है, ये बेसिकली क्या है कि फार्मर
जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनको एक एक्स्ट्रा इनकम देना है थ्रू मिक्स्ड फार्मिंग के रूप में, एनिमल हस्बेंड्री के फॉर्मेट में. रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न करने होंगे, चेंजेस इन एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस करनी होंगी, साइंटिफिक एग्रीकल्चर लेकर के आना पड़ेगा, साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स करनी पड़ेंगी, लेग्यूमिनस प्लांट्स को इनकरेज करना पड़ेगा जिससे कि एनपीके जो रेशियो है वो मेंटेन रहे, डेवलपमेंट ऑफ सब्सिडियरी ऑक्यूपेशन करना होगा, वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी, माइनर वाटर इरिगेशन लगाने पड़ेंगे, वाटर का डाइवर्जन करना पड़ेगा. लेकिन जो भी रिवर इंटरलिंकिंग हम करेंगे वो एक मेजर रिवर को एक माइनर रिवर के साथ में करेंगे. दो मेजर करेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ फ्लड. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड कैनाल्स बनाए जाए जिससे कि लाइनिंग कर दी जाए, अदरवाइज वहां पर सिल्टेशन की प्रॉब्लम हो जाती है. तो डीसेलेशन ऑफ सी वाटर फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक यूज, फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फिर इसके बाद से कॉटेज और हाउसहोल्ड इंडस्ट्री इनको भी डेवलप किया जाए. आत्मनिर्भर भारत जैसे स्कीम है उस तरीके की चीजें हम यहाँ पर भी लोगों के अंदर में एक बिहेवियरल चेंज लेकर के आए, एटलीस्ट सब्सिस्टेंस से उनको कमर्शियल एग्रीकल्चर की ओर लेकर के जाए, हॉर्टिकल्चर को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि हम लोगों ने अभी सोलर के बारे में बात किया ही था उसको कर सकते हैं. मोर रिसर्च इज रिक्वायर्ड फॉर द इंक्रीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन ड्राई फार्मिंग. तो ये वो कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम के थ्रू हम ये सारा का सारा सिस्टम सॉल्व कर सकते हैं. तो ये थी बेसिकली आज की हमारी पूरी डिस्कशन, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सबकी लिंक दी हुई है, उससे अपने डाउट पूछ सकते हैं आप. टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए. इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक होगा फ्लड को लेकर के, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे, और इस तरीके से हमारा जो एक क्लाइमेट वाला पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वेजिटेशन को लेकर के, तो फटाफट वेजिटेशन को भी हम लोग कवर करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच.